नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा जनपद सोनभद्र का भ्रमण किया गया एवं समस्त राजपत्रित अधिकारी के साथ अपराध एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई। श्री राम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा सोनभद्र जनपद आगमन व भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज पुलिस लाइन चौक स्थित सभागार से संबंधित राजपत्रित अधिकारी के साथ गोष्ठी कर अपराध एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा की गई। क्या कुछ कहा अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने, सुनिए। किस बात को लेकर मीटिंग की गई, उसमें क्या खास चर्चा रही? सर, बेसिकली मेरे स्तर का एक निरीक्षण यहाँ पर एक पेंडिंग था, और क्योंकि जनपद में जिस तरह से क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले कभी नक्सल जिससे हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर हम क्राइम पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हट करके अब ये नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, उसकी स्टेडियम आ गया है। तो यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो क्राइम का पैटर्न है, उसके हिसाब से यहाँ की समीक्षा करने के लिए मेरे द्वारा ये दौरा किया गया है। तो यहाँ कुछ क्राइम जो बहुतायत में होते हैं, खासकर कुछ मर्डर्स हुए हैं, कुछ नकबजनियाँ चोरियाँ हुई हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए, इसकी कार्य योजना एक हमारे स्तर से बनाई गई है। सभी सर्कल ऑफिसर्स की यहाँ मीटिंग की गई है, उनके कार्यों की समीक्षा की गई है, जनपद के कार्यों की समीक्षा की गई है। साथ ही साथ जो आपस के झगड़ों की वजह से जो मर्डर्स हुए थे पिछले, उनको वर्कआउट करने की, उनको प्रिवेंट करने की, उनको रोकने की कुछ तरीके हम लोगों ने सुझाए थे। इसके साथ ही जो साइबर क्राइम्स इस इलाके में बढ़ रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए भी जो थाना स्तर पर साइबर क्राइम हेल्प डेस्क है, और जो जो स्टेट के स्तर पर एक 1930 और 112 को समन्वित करके जो हेल्पलाइन बनाई गई है, उसकी भी जानकारी सबको देने के माध्यम से, आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। इस कारण से सर, ये चार राज्यों से घिरा हुआ है सर, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है या वहाँ नक्सल भी है, क्राइम भी है, तो ऐसे में अपने जनपद को किस तरह से व्यवस्था? हाँ, ये एक हम लोगों के लिए चैलेंज है कि क्योंकि जो नज़दीकी यहाँ के चार स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसमें जो नज़दीकी जनपदों में खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के अभी भी नक्सल एरिया में आते हैं, वहाँ पर भी कुछ नक्सली एक्टिविटी चल रही है। उसको लेकर के यहाँ प्रिवेंटिव के साथ साथ हम जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, उसको सतत रूप से चलाते रहें। यहाँ के लोगों को जो विकास के जो आज तक जो कार्य चल रहे हैं, उसमें उनको जोड़े रहें। एक पुलिस की जो पुलिस और जो जनता के साथ संवाद है वो बना रहे, हमको इंटेलिजेंस भी उपलब्ध होती रहे, और साथ साथ यहाँ की जनता को मदद मिलती रहे, खासकर उस एरिया में जो कि पहले से नक्सल फैक्टर रहे, उसमें पुलिस की रीच बने। रोड्स वहाँ बनी हैं, आपने देखा ही होगा, रोड्स पिछले करीब 5-6 साल में बहुत अच्छी बनी है यहाँ पर, उनको सुविधाएं भी यहाँ पर पहुँचे हर चीज़ में, उसमें मदद करने के लिए हमने पुलिस को यहाँ पर बताया है। एक सबसे बड़ी सवाल ये है सर कि यहाँ से ही होके जाती है, मतलब स्टेट अदर स्टेट से सोनभद्र ही होके जाती है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे द्रव मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, तो इसके रोकथाम के लिए और क्या कारगर उपाय किए जाए? हाँ, इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, इस मामले को ये पाया गया कि यहाँ पर जो ये पदार्थ मिलते हैं या फिर यहाँ जो आते हैं, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता इधर के जो जनपदों से है, गढ़वा है या फिर उड़ीसा की तरफ से आता है, तो हमको वहाँ के गैंग आइडेंटिफाई करने हैं जो इसको भेजते हैं। लोग पकड़े जाते हैं, यहाँ पर जेल चले जाते हैं, लेकिन उसकी जो लिंकेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं। उन संगठित लोगों को हम सामने लाना चाहते हैं जो कि वहाँ से यहाँ पर भेज रहे हैं, उनके विरुद्ध जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जैसे हम लोग अपने प्रदेश में करते रहे हैं, तब तक वो लोग भी यहाँ से भेजने से नहीं रुकेंगे और नहीं यहाँ के लोगों को मंगाने से रुकेंगे। तो उन माफियाओं को हम चिन्हित करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध फिर माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा सर? डेफिनेट बुलडोजर चलेगा। सर, एक चीज़ होती है कि ये इस क्षेत्र में जो एक तो नक्सली क्षेत्र है, ये नक्सल एरिया क्षेत्र है, बॉर्डर से सटा हुआ है, और यहाँ पर जो विस्फोट की स्थिति है, जो माइनर विस्फोट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। और सबसे पहली चीज़ ये है सर कि अभी तो खनन विभाग अवैध के लिए RC काटी गई कि बड़े पैमाने मतलब अवैध खनन हुआ है, उसके साथ साथ सर वो खनन तो हुआ, उसकी जो भी विस्फोटों को रखने के लिए लाइसेंस दे रखे हैं, उनकी जाँच पड़ताल पुलिस द्वारा की जाती है, जो भी नियमानुसार एक SOP बनी हुई है। और जहाँ तक खनन का सवाल है, उसमें लाइसेंस संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए हैं, उन्होंने भी काफ़ी केयरफुली तरीके से उसको मॉनिटर करने के लिए कैमरा लगा रखा है, चेक पोस्ट हैं और GPS सिस्टम भी लगा रखा है, तो उनकी अपनी व्यवस्था है,
वो उसको करते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन सर मानना ये कि जब अवैध खनन हो रहा है तो विस्फोट, बगैर विस्फोट तो हो नहीं सकता, आखिर जब अवैध खनन करने वालों को विस्फोटक मिल कहाँ से रहा है तब, जब ये मॉनिटरिंग हो रही है? नहीं देखिए, खनन अवैध है अवैध है ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा, ये पुलिस का कार्य नहीं है, हम लोग उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि लाइसेंसिंग है इसकी बाकायदा और एक प्रॉपर SOP है इसको करने के लिए, इसलिए पुलिस इसमें नहीं कोई दखल देती है। जहाँ तक जो आपने विस्फोटक की बात बताई, यहाँ पर शायद कुछ एम्यूनिशन को रखने की कुछ लाइसेंसेज हैं ऑलरेडी जो सर्टिफाइड हैं, जो कंसर्न जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा सर्टिफाइड है, उनकी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उनकी जांच पड़ताल की जाती है और उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। सर, कुछ जिला जेल के कुछ कैदियों का कैसे हो जाना सर? ये मुझे जानकारी नहीं है, आप मुझे जानकारी अलग से दीजिएगा तो मैं इस पर जांच कराएंगे, इसमें क्या मामला है उसको जांच कराएंगे प्रॉपर तरीके से।